हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम सोशल साइंस का ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 भूगोल जल संसाधन चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आज हम जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन तो आप लोगों को पता है किसे कहते हैं, ऐसे उपहार जो हमको तरह से मुफ्त में मिलते हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधन जिसका उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को सही तरीके से चला सकते हैं। तो उसमें एक प्रकृति द्वारा दिया गया उपहार एक जल संसाधन भी है और आज हम जल संसाधन के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि जल हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर जल नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। तो जल से संबंधित बातें करेंगे आज हम इस चैप्टर में समझेंगे। जैसा कि आपको बताया गया है कि तीन चौथाई धरातल जल से ढका हुआ है, यानी जो हमारा पृथ्वी है वो पृथ्वी में कितना परसेंट पानी है, 71% या 75% भी आप मान सकते हैं। 71% यानी 71% हमारा जो भूभाग है वो पानी से ढका हुआ है। इसी कारण हमको जो बादल रहता है वो नीले कलर का क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का 71% या एक तिहाई तीन चौथाई भाग पानी से ढका हुआ है। इस बाकी जो 29% भाग है उस पर पृथ्वी है, जल धरातल है, भूधरातल है जिस पर हम लोग रहते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पति, पहाड़, पर्वत, ये सारे जितने भी संसाधन हैं या जितना भी जगह है पृथ्वी की, वो केवल 29% है। ठीक है, 29% पर स्थल है और 71% पर जल है। आगे हम देखें, परंतु इसमें प्रयोग में लाए योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। यानी जो हमारा पृथ्वी पूरे पानी से लगभग ढकी हुई है, फिर भी उसमें ऐसा जल जिसका हम उपयोग करते हैं पीने में अपने दैनिक कार्यों के लिए, उसका अनुपात बहुत कम पाया गया है। अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भूमजल से प्राप्त होता है, यानी जो पृथ्वी की ऊपरी सतह से जैसे तालाबों, कुओं के माध्यम से, और भूमजल यानी जमीन के अंदर से जो जल प्राप्त होता है वही जल हमारे लिए उपयोगी होता है पीने के लिए और हमारे अन्य दैनिक कार्यों के करने के लिए, जिसका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्र में गतिशील रहता है जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जल चक्र निरंतर गतिशील होता है ना, तो जल चक्र के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि जल चक्र किस प्रकार मतलब बनता है, कि जो बाष्पीकरण होता है उस बाष्पीकरण से बादल बनते हैं और बादल के द्वारा फिर पानी बरसता है। तो इस तरह का जो चक्र चलता रहता है बाष्पीकरण, उसको हम बोलते हैं जलीय चक्र। तो इस प्रकार इसको हम नवीकरण जल भी कहते हैं। अब आगे आपको बताएं, थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बताएं कि पृथ्वी पर कितना परसेंट जल है, तीन चौथाई मतलब 71% पानी है, पानी से ढका हुआ है और 29% स्थल भाग है ना। विश्व में जल के कुल आयतन का, विश्व की बात कर रहे हैं, विश्व के जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। जो महासागर है उसमें कितना परसेंट पानी भरा है, 96.5 भाग है ना, और केवल 2.5 यानी 2.5% भाग ऐसा है, यानी एक एरिया अगर हम मान के चले पूरे टोटल का, तो केवल 2.5% पूरे विश्व का 2.5% भाग है जो पानी केवल पीने योग्य है, जो हम अपने उपयोग कर सकते हैं। अब 2.5% में भी हम और उसके बारे में बात करेंगे, 2.5% में भी किन किन भागों में बटा हुआ है। देखें, 2.5% भाग ताजे पानी के रूप में जिसका प्रयोग मानव सहित अन्य जीवधारी करते हैं। केवल इतना परसेंट पानी है जिसको हम और हमारे सभी जीव जंतु उस पानी का प्रयोग करते हैं। ताजे पानी का लगभग 70% यानी मतलब 2.5% में से बात चल रही है, 70% यानी 1.75 हिस्सा पर्वतों पर पाया जाता है,
ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों के रूप में जमा हुआ है, यानी जो बर्फ जमी रहती है वो शुद्ध पानी के हिस्से के अंतर्गत आती है, यानी पर्वतों पर और ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हिम चादरों के में जो बर्फ जमी हुई है वो भी किस रूप में आता है, शुद्ध पानी का ही हिस्सा है, जो 2.5 की हम जब बात कर रहे हैं। और ये कहाँ कहाँ पाया गया है, ध्रुवीय क्षेत्रों में हिम चादरों के रूप में जमा हुआ है, जो अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतों की चोटियों पर पाया जाता है। अब ये हमने क्या बात करी कि 2.5% पानी पीने लायक है, उसमें से भी पहाड़ों पर्वत पर पाया गया है, तो उसमें से भी उसका हिस्सा कट गया। अब हमारे पास क्या बचता है, बाकी बचा हुआ 30% भाग, जो कि जल का 1% से कम है, यानी जो पीने के पानी से मतलब केवल 1% जल ऐसा है जिसका प्रयोग हम अपने पीने के लिए और अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि जल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और जल का वितरण कितना है हमारे, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पीने का पानी कितना है तो 2.5%। आगे देखें हम, आगे देखो तो अगला पैराग्राफ चेंज बताया गया है। आपको आश्चर्य होगा, जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से गिरा है और जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, फिर भी अनेक देशों में और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है। मतलब ये सब चीज़ हमको समझ में आ रही है कि इतना पानी होने के लेकिन कारण क्या है, पानी तो है लेकिन वो पानी हमारे उपयोग लायक नहीं है, इसलिए वो पानी हमारे किसी काम का नहीं है। एक भविष्यवाणी की गई थी कि 2025 में लगभग 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि बारिश का जो बारिश होती है, कभी उसका मानसून कभी आता है कभी नहीं आता, या अतिवृष्टि हो जाती है या अल्पवृष्टि होती है, इससे क्या होता है जो मानसून का असमान वितरण के कारण कई राज्य ऐसे हैं, कई देश ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी का भयंकर संकट का सामना करना पड़ता है। उस संबंध में एक मौसम विभाग द्वारा भविष्यवाणी भी की गई है कि 2025 तक कुछ 20 करोड़ लोग ऐसे होंगे कुछ देशों के जिसको गंभीर संकट, पानी की संकट का सामना करना पड़ेगा। और हम लोग भी देख रहे हैं कि कभी कहीं पर पानी ज़्यादा बरस गया है तो कहीं पानी बिल्कुल भी नहीं गिरा हुआ है, तो ये क्या हुआ है, मानसून का असमान वितरण के कारण भी ये समस्याएं हो रही हैं। और पानी का जो बारिश का पानी है उसका भी हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, पानी बह जाता है, तो हमको आवश्यकता है उस पानी को संग्रहण करने के लिए, बचा कर रखने के लिए। तो इस टॉपिक को समझ में आया आपको। अब आगे और हम पढ़े इसमें जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता, यानी जल को बचाने के लिए, जल का मैनेजमेंट करने के लिए, जल को किस प्रकार संभाल के रखा सके जिससे हम आने वाली समस्याओं से निकल सकें, उसकी आवश्यकता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जल के विशाल भंडार एवं इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए भी ये सोचना मुश्किल है कि हमें जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हमको पता है कि हम मानते हैं कि हमारा मतलब भारत देश विश्व के सभी देशों में उसका स्थान कौन से नंबर पर है, 133वें नंबर पर है। भारत का विश्व के सभी देशों के स्थान पर 133वें नंबर पर है, और भारत में 144 सेंटीमीटर के हिसाब से वर्षा भी होती है, फिर भी हमें पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो एक सोचने वाली बात है ये। आगे देखें, जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि पानी की बरसात कम होती है या पानी की समस्या हो रही है, तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र, सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमें ऐसे दिमाग में मतलब ऐसे क्षेत्रों के नाम याद आ जाते हैं जहाँ पर बारिश होती नहीं है या होती है तो बहुत कम। उसमें जैसे हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान का मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती हुई परिहानियों की चित्र हो जाता है। मतलब दिमाग में एक ऐसा चित्र आ जाता है कि पानी की जब कमी होती तो लोग दूर दूर से पानी इकट्ठा करते हैं अपने पीने के लिए, तो इस तरह के दिमाग में इस चित्र आने लगते हैं। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण, वर्षा में यानी हम देखते हैं कि वर्षा के और जो बारिश हो रही है, यानी जो भी हमारी जो ऋतु है
वर्षा ऋतु, उसमें चेंजेस आ गए हैं और उन चेंजेस के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता समय और स्थान के अनुसार अलग अलग है, परंतु अधिकता जल की कमी और इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण के कारण होती है। यानी जल का प्रयोग एक तो सबसे अधिक उपयोग करने से, वेस्टेज पानी का उपयोग करने से और बारिश का असमान वितरण, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर नहीं, इससे भी समस्या पैदा हो रही है। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल साधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्बलता है? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। यानी कई शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर मतलब तट लगे हुए हैं, महासागर या समुद्र लगा हुआ है, फिर भी वहाँ पर पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है ना। इसके बाद देखें हम, अतः जल दुर्बलता, अत्यधिक और बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती हुई मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। यानी जल समस्या किस कारण से बढ़ रही है? सबसे पहले तो जल का अत्यधिक उपयोग, जैसे सिंचाई में हम जल का उपयोग कर रहे हैं तो जो पानी का स्तर है वो लगातार नीचे गिर रहा है। औद्योगिकरण बढ़ने से हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात जो अपने औद्योगिकरण तेजी से विकसित हुआ, मानव का रहन सहन बदला और शहरीकरण बढ़ा। इसके बाद सिंचाई के साधनों की संख्या बढ़ी, जिससे किसानों को अलग अलग साधन मिले और वो अपनी खेती करने लगा, जिसमें अलग अलग साधनों के माध्यम से सिंचाई बढ़ी है, खेती की उपलब्धता बढ़ी है, खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ी है। तो इन सब के कारण पानी की मांग बढ़ गई है और पानी की मांग बढ़ने से तथा उसका असमान वितरण से ये समस्या पैदा हो गई है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। देखो, जल का उपयोग हम अपने दैनिक कार्यों में तो करते हैं, साथ में हर कार्य में, कृषि के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधों के लिए, जितने भी कार्य किए जाते हैं विकास से संबंध, सब में पानी की आवश्यकता होती है। आता अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जन संसाधनों का अतिरिक्त शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया गया है। जैसे स्वतंत्रता के बाद जब साधनों का विकास हुआ है तो कृषि क्षेत्र को बढ़ाने के लिए सिंचित साधनों का अधिक उपयोग किया गया है। उन सिंचित साधनों का उपयोग करने से क्या हुआ, जो कृषि उत्पादन वो तो बढ़ा है लेकिन उसके साथ साथ जल का अंधाधुंध प्रयोग हुआ है और भूमि का जो लेवल है, जो जल स्तर है, वो लगभग बहुत नीचे चला गया है। शुष्क ऋतु में भी खेती की जाती है। आज हम देखते हैं कि हम गर्मियों में भी फसल पैदा करते हैं, बारिश में भी फसल होती है और शीत ऋतु में भी फसल होती है। तो फसल होने का कारण क्या है? पानी की उपलब्धता। अब पानी कहाँ से मिला है? भू स्तर से, यानी जो पीने का पानी है उसका भी उपयोग हम सिंचाई के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। शुष्क कृषि तकनीक तथा सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा आप कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। यानी अब हमको इस तरीके की तकनीक की आवश्यकता है कि जिससे कृषि क्षेत्र में मतलब पानी की उपलब्धता भी लगे लेकिन उसमें कम पानी के द्वारा अधिक से अधिक फसल को हम ले सकें, इस तरह की हमको एक आवश्यकता है। अब देखें, एक और इसराइल जैसे 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल का कोई अभाव नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? इसराइल की। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि भारत में 114 सेंटीमीटर बारिश होती है, इसके बाद ही पानी की समस्या बनी हुई है, और इसराइल जैसा देश जिसमें केवल 25 सेंटीमीटर ही बारिश होती है फिर भी वहाँ पानी की कमी नहीं है, तो क्या कारण है? दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाला हमारा देश प्रतिवर्ष किसी भाग में सूखा अवश्य पड़ता है। ये भारत देश की बात कर रहे हैं और 25 सेंटीमीटर इजराइल की। देश में जल की उपलब्धता और उसके स्वरूप उसके अनुसार समुचित जल प्रबंधन ना होने के कारण ही वर्षा का जल नदी नालों में तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिससे वर्षा के बाद लगभग 9 महीने देश के लिए पानी कमी हो जाती है। यही मूल कारण है कि देश में जलीय अभाव के हम उचित प्रबंधन के द्वारा ही नियंत्रण कर सकते हैं। तो जल संकट को कैसे दूर किया जा सकता है कि जो बारिश का जल है उस जल को हम उचित प्रबंधन द्वारा या उचित प्रबंध नीति द्वारा अपनाकर उसको सही तरीके से संग्रहित कर सकें, उसको बारिश के जल को बचा सकें, जो कि हमारे पीने के लिए, हमारे दैनिक कार्यों के लिए
तो ही हम उस पानी का उपयोग कर पाएंगे और जल संकट को दूर कर पाएंगे। जबकि इजराइल ने क्या करा है, उसने पानी के संग्रहण का सही टेक्निक द्वारा सही प्रबंधन किया हुआ है, जिससे वहाँ पर ये समस्या नहीं होती है। जबकि हम सेंटीमीटर की बात करें तो भारत उससे कई गुना आगे, कई गुना मतलब बारिश होती है, जबकि उसमें बहुत कम होती है, 25 सेंटीमीटर।